आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर हो, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस समझा जाता है। नियम: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भेथरे प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब में हैड का प्रयोग किया जाता है और हमेशा भी थ्री यानी भी वन अगर ईट है तो इसका भी थ्री ईटेन होगा। हमेशा इसमें भर का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आम खा चुका था, ही हैड ईटेन ए मैंगो। तुम गेम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड ए बॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में अगर नहीं लगा हो उसको निषेधात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस समझा जाता है। नियम: सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस भेथरे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह किताब नहीं पढ़ चुका था, ही हैड नॉट रेड ए बुक। तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, यू हैड नॉट रिटेन ए लेटर।